नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि इस समय एमपी में नेक्स्ट ईयर चुनाव भी हैं, तो इस समय 1,00,000 भर्ती करने के लिए मामा जी ने बोल रखा है, तो उसकी लगातार नोटिफिकेशन भी जारी हो रही हैं। उसी से संबंधित एक नई भर्तियां निकल के आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे नई अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। 1,00,000 पदों पर भर्ती की कयामत, सभी विभागों से मांगी जानकारी, ये मुख्य चीज़ निकल के आ रही है कि प्रदेश में चपरासी की 20,000 रिक्त पदों को आउटसोर्स के जरिए भरने की तैयारी हो रही है। यानी प्रदेश में अभी 20,000 चपरासियों की भर्ती जस्ट निकलने वाली है, तो अब अपनी तैयारी बना के रखें। जिन विभागों में रिक्त पद पूरे कैडर के 5% से कम हैं, वहाँ भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में रिक्त चल रहे चपरासियों के करीब 20,000 पदों को राज्य सरकार आउटसोर्स से भरने की तैयारी कर रही है। ये सभी चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, इन्हें अभी कम से कम 15,500 से अधिकतम 30,000 रुपये तक का वेतन मिलता है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD ने इस संबंध में सभी विभागों को ताकीद कर दी है कि वे चतुर्थ श्रेणी के इन पदों को भरने का प्रयास ना करें। इस समय 1,00,000 पदों पर भर्ती की कयामत चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी, तो 52 विभागों से 1,25,000 रिक्त पद मिल गए हैं। राज्य सरकार चाहती है कि तत्काल इनकी भर्ती शुरू की जाए। GAD ने सभी विभागों से कहा है कि जिनके पास भी कुल स्ट्रेंथ की तुलना में रिक्त पद 5% से कम हैं, वे तुरंत कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि पुराना नाम MPPEB और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को वैकेंसी भेजकर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करें। GAD ने ऐसे विभागों की सूची बना ली है जहां भी 5% से ज़्यादा पद हैं, वहां के बारे में निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। संभावना है कि इन पदों को 2 या 3 चरणों में भरा जाएगा। पहले चरण में 5% तक पद भर दिए जाएंगे, बाकी बचे पदों का निर्णय अलग से ही होगा। संभाग जिलों ने नहीं दिए खाली पदों के आंकड़े, राज्य स्तर पर विभागों की तरफ से खाली पदों के आंकड़े तो स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन संभाग और जिला स्तर से अभी भी GAD को पूरे आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। यह स्थिति भी तब है जब सरकार भर्ती की तैयारी में है। जिलों और संभागों की स्थिति को देखते हुए तय किया गया है कि राज्य के रिक्त पदों को ही भरना शुरू किया जाएगा। ये जो यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आई है कि विभागाध्यक्ष स्तर से शुरू हुई थी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की शुरुआत पहले विभागाध्यक्ष स्तर पर हुई थी। प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर भी इसी के तहत चपरासी रखते थे, लेकिन बाद में ये भर्ती व्यापम से होने लगी थी। तो इसकी जबरदस्त भर्तियाँ होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।